यहाँ पानी में मेट्रो चलती है। हो सकता है आप लोगों ने पहली बार सुना हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कोची वाटर मेट्रो के बारे में। और ये टिकट मैंने सुंदर सी खरीद ली है और कोची वाटर मेट्रो के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, मीन्स फुल डिटेल्स ऑफ कोची वाटर मेट्रो, हाउ टू ट्रैवल इन कोची वाटर मेट्रो, या फिर ये कहें कोची वाटर मेट्रो में कैसे ट्रैवल करें, पूरी जानकारी। आपको टिकट लेके यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद एक ऐसी वाटर मेट्रो आ जाएगी और हम लोग क्या करना है, इसमें चढ़ के जाना है। लेकिन कहाँ से, अभी मैं हूँ केरला की कोची सिटी के बाइपिन आइलैंड में। अब मैं बाइपिन आइलैंड टू हाई कोटी, हाई कोट जेटी जाऊंगा, जो कि यहाँ से लगभग अगर बाई रोड जाओगे तो लगभग 10 किलोमीटर है, लेकिन पानी की सहायता से आप लगभग 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो अब आ गया हूँ मैं वाटर मेट्रो के अंदर, और वाटर मेट्रो के अंदर से ऐसा व्यू आपको देखने का मिलेगा जो कि आपने आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि ये है कोची की वाटर मेट्रो। ज़बरदस्त व्यू, ज़बरदस्त फीलिंग्स एंड ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, यहाँ पे फ्री स्पेस भी है और देसी एंड विदेशी लोग भी इसमें ट्रैवल करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह पर्यटकों का एक बहुत ही फेवरेट प्लेस, या फिर ये बोल सकते हैं फेवरेट एक्टिविटी बन गई है, क्या कोची वाटर मेट्रो। इसीलिए यहाँ पर लोग केवल वाटर मेट्रो का एंजॉय करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि इस वाटर मेट्रो में क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं कोची वाटर मेट्रो में। वैसे तो केरला में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेज हैं एंड विजिटिंग प्लेसेज हैं केरला की कोची सिटी में, लेकिन वाटर मेट्रो उनमें से एक यूनिक चीज़ है जो कि आज मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन से पहले ये बता देता हूं। आप देख सकते हैं इसमें सिगरेट पीना मना है, खाना मना है, और आप कैमरे की सर्विलेंस में हैं, कैमरे की नज़र में रहते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कैमरा रहेगा। यहाँ पर स्पेशल लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है कॉर्नर में बैठने के लिए, छोटू इंजॉय कर रहा उधर बैठ के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खाली सी है, क्योंकि आज वीक डेज नहीं है। अगर आप सैटरडे संडे पे आएंगे तो यहाँ पर बहुत भीड़ रहेगी, आपको बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी इस वाटर मेट्रो में जो कि पानी के ऊपर चलती है। फुल एसी है, फुल मजा आने वाला है, और इसमें मेट्रो ट्रेन की तरह ऊपर आपको पकड़ने के लिए क्लंचेज भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं आप पकड़ के खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट रखी हुई है यहाँ पे, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लाइफ जैकेट ले सकते हैं। अगर बोट क्या हो रही है, अगर ये वाटर मेट्रो डूब रही है तो आप लाइफ जैकेट की सहायता से बच जाएंगे। फायर फाइटिंग की इक्विपमेंट भी है लास्ट में आप देख सकते हैं, और मेडिकल बॉक्सेज भी इस वाटर मेट्रो में अवेलेबल हैं। तो हम लोग ट्रेवल करते हुए पहुंच गए हैं हाई कोर्ट जेट्टी पे। अब हाई कोर्ट जेट्टी पे क्या करना है, आपको उतरना है और बहुत सारा व्यू देखने को मिलेगा। अब बाइपिन टू हाई कोर्ट जेट्टी का फेयर है ओनली 30 रुपये, और 30 रुपये में देके आप यहां पर पहुंच सकते हैं। अब यहां पर हम लोग पहुँच गए हैं, अब उतरने का समय आ गया है। इन मोहतरमाओं के साथ, बहुत सारी मोहतरमा है यहाँ पे, अब इनके साथ उतर के मैं कोची की एक नई जगह को एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। जब आप उतरेंगे तो आपको वो टिकट जो कि मैंने शुरुआत में दिखाई थी, उस टिकट को लेके क्या करना है, आपको जैसे मेट्रो में एग्जिट करते हैं वैसे ही एग्जिट यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज आप कोची, विजिटिंग प्लेसेज आप कोची, ट्रैवल प्लेसेज इन कोची, टूरिस्ट प्लेसेज इन कोची, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कोची वाटर मेट्रो में कैसे ट्रैवल करें, तो आपको जानकारी मिल गई होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टैप करके मैं जैसे मेन मेट्रो में होता है वैसे मेन मेट्रो की तरह टैप करके बाहर आ गया हूँ और एक अच्छी जगह पर पहुँच गया हूँ, और इस जगह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने और बताने वाला हूँ।